दर्शकों के दिलों में जगह बना ली अभिनेत्री प्रीति झांगियानी ने, तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है प्रीति। थैंक यू। प्रीति, जहां तक हमें मालूम है आपकी फैमिली में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। बिल्कुल। तो फिल्मों की तरफ आपका आने का फैसला कैसे हुआ? एक्चुअली पता नहीं, ये एक फैसला नहीं था, ऐसे फिक्स डिसीजन नहीं था। मुझे पता नहीं कैसे हो गया, बस मैं कॉलेज में थी, थोड़ी बहुत मॉडलिंग की थी और सडनली आउट ऑफ द ब्लू राजश्री का वीडियो हो गया। छुई मुई सी तुम लगती हो, यूर राइट। दैट बिकेम यू नो, सब लोग के एक्सपेक्टेशंस को उसे सरपास कर दिया। इट वॉज नोबडी एक्सपेक्टेड, क्योंकि सभी नए थे। राजश्री भी पहली टाइम म्यूजिक वीडियोज में फोरे कर रहे थे और कुणाल कोहली भी रिलेटिवली न्यू थे, मैं तो बिल्कुल नहीं थी। एंड अब्बास ने कोई हिंदी फिल्में की नहीं थी, तो सभी नए थे, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट बिकेम वेरी वेरी फेमस एंड सून आफ्टर दैट सडनली आउट ऑफ द ब्लू यशराज फिल्म्स ने मुझे फोन किया। प्रीति, यही हम आपसे पूछना चाहेंगे, पहली फिल्म और वो भी यशराज फिल्म्स की फिल्म हो, अमित जी हो, शाहरुख खान हो, राइट, कैसा रहा एक्सपीरियंस? वेल, एक साल के लिए मोहब्बतें मेरी लाइफ थी। यशराज फिल्म्स ने, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपने मोहब्बतें क्यों की, तीन लड़कियां थी। हम भी वही पूछने वाले थे कि उसमें विधवा का कैरेक्टर जो आप पोर्ट्रे कर रही थी, विधवा का कैरेक्टर था एंड यू नो कितनी सारी कास्ट थी, बड़ी कास्ट थी, इसमें मेरा क्या रोल था। लेकिन मुझे लगता है कि नोबडी एल्स कुड हैव प्रेजेंटेड मी जिस तरह यशराज फिल्म ने मुझे प्रेजेंट किया, जिस तरह उन्होंने मुझे ट्रेन किया। उनकी आई डोंट थिंक कोई और डेब्यू फिल्म इस तरह नेशनली और इंटरनेशनली मुझे इस तरह की फैन फॉलोइंग ला सकती थी। एक और चीज हमने आपके बारे में सुनी हुई है कि फिर आपकी आई फिल्म आवारा पागल दीवाना, वो भी हिट हो गई, तो आपको डायरेक्टर्स लकी मानने लगे, कहीं यही कारण था कि आपको बहुत सी फिल्में मिलने लगी हैं? वेल, इट्स ट्रू कि मोहब्बतें के बाद मैंने बहुत सी फिल्में साइन की, लेकिन यू नो इंडस्ट्री का सिचुएशन इस तरह हो गया कि आई डोंट थिंक बहुत सी फिल्में नहीं चली। और नहीं, एक्चुअली फॉरगेट दैट, नो प्रॉब्लम, वी टेक इट अगेन। हां, What is the question? We'll do it again. I'll ask you the question again. Yeah, lost track of the question. हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा, वो क्यों ही होगा। प्रीति जी, फिर आई आवारा पागल दीवाना, वो भी हिट हो गई, तो कहीं इसीलिए आपको डायरेक्टर्स लकी मानने लगे? Well, I hope so कि यही रीजन है। लेकिन लकी तो एक इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। मुझे लगता है कि आजकल स्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ अलग करे। और जिस तरह फिल्म को प्रेजेंट किया जाता है, यू नो लाइक आवारा पागल दीवाना बिल्कुल अलग वे में प्रेजेंट की गई थी। So it's it only depends on the script and the story. मगर आपको अक्सर जितने भी रोल्स में देखा, थोड़े सीरियस रोल्स हैं, मगर आप you're very bubbly and a cheerful girl. Thank you for that. But I don't know, that is the I guess that is the image or so called image जो form हो गई। आपको लगता है आप typecast हो गई हैं इस particular image में, या कोई आने वाली फिल्म जिसमें आपने हट कर रोल किया? typecast होना बहुत आसान है actually यहाँ पे, लेकिन मेरी एक फिल्म आ रही है जो है बाज, उसमें मिस्टर टीनू वर्मा ने मुझे एक टोटली डिफरेंट रोल में कास्ट किया। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा रही हूँ। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंडिपेंडेंट वुमन। इनफैक्ट ऑल माई अदर फिल्म्स ऑल्सो नाउ LOC हैज मी प्लेइंग अ वेरी बबली पंजाबी कुड़ी, एंड इवन जाने होगा क्या, हैज मी प्लेइंग अ वेरी बबली लेकिन साउथ इंडियन टुडे इज बॉम्बे की, यू नो, वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स। सो थिंग्स आर चेंजिंग, आई मीन द इमेज विल चेंज सून। अच्छा, ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं या अभिनेता हैं जिनके साथ आपको, आपका एक सपना था कि उनके साथ काम करना है? वेल, मैंने अमित जी के साथ काम किया इन माय फर्स्ट फिल्म। आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्क्ड विद हिम। उनकी जो कमांड है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पे, इट्स जस्ट ट्रेमेंडस। अगर उनके साथ यू नो ही कैन कन्वर्स विद यू ऑन एनी टॉपिक, बहुत कुछ सीखने को मिलता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। और नॉट ओनली दैट, ही इज वेरी ह्यूमरस, बहुत ही ह्यूमरस इंसान है। उनके साथ तो 5 मिनट बैठ नहीं सकते हैं और हंसना पड़ता है, यू नो। So, and he's very down to earth, very humble. I think ये दिखाती है person's greatness. और आपने इतनी different actresses के साथ काम किया है, कभी महसूस हुआ कि आपकी mileage कम हो जाएगी फिल्मों में? Well, I worked with Raveena and Vatira, क्या कहना, with Lolo in Baaz, with many other actresses in LOC. So, and of course, Mohabbatein, Aishwarya Rai. So, no. ऐसा नहीं लगा। नहीं, I don't think so. अगर ये बात होती तो then I wouldn't have signed that many multi-star roles. I'm very confident. It's very important कि आपको अपने director पर faith होना चाहिए और it's up to you signing a film with your eyes open. You know exactly what your role is in it. वो बहुत हंसाते हैं प्रीति जी। अब दोबारा overlap हो गया।
वो बहुत हंसाते हैं, गोविंदा उनका नाम है, प्रीति जी उनके साथ आपने काम किया है, वाह तेरा क्या कहना में, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? डेफिनेटली द एक्सपीरियंस वाज फैबुलस. आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर एक्टर हु कैन गिव एक शॉट के जितने डिफरेंट वेरिएशंस और कोई नहीं दे सकता एंड इन वन मिनट. एंड लोग कहते हैं कि गोविंदा जी, आई टेल यू अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, दे टेल मी दैट ही कम्स लेट ऑन द सेट एंड थिंग्स लाइक दैट, बट यू नो एक चीज है, जब गोविंदा जी सेट पर होते हैं so the work gets finished in like less than half the time that any other person could do it. It's he's that fast, that quick, and still you know he can give you so many more variations. तो आपको अब कैसा महसूस हो रहा है जब आप फिल्मों में नहीं थी और अब फिल्मों में है, ग्लैमर है, शोहरत है, फेम है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? I don't know. Definitely life तो change होती ही है. You know small small things की आपको लगता है आप कुछ miss कर रही हैं? You can't go out, चाट पापड़ी नहीं खा सकते जो सुनने में आता है. मैं कुछ कर रही हूँ जो that I enjoy, and not many people are so fortunate to do something that they enjoy. So as long as I made a career out of my hobby, out of my acting, which is my hobby, which is something, which is my passion, I think I'm not working. अच्छा प्रीति ये बताइए कि I'll take it again. अच्छा प्रीति ये बताइए कि अब भविष्य की क्या योजनाएं हैं, किस तरह की फिल्में करनी हैं, किस तरह के किरदार करने हैं, क्या अब आप, आपको ऐसा लगता है कि आपका इतना मकाम है कि अब आप चूज कर सकती हैं? अब चॉइसेस तो बहुत सी हो गई हैं, बहुत सी वुमेन ओरिएंटेड फिल्में भी बन रही हैं. आई कैन सेफली से कि अब मैं चूज कर सकती हूँ, बिकॉज नाउ आई एम डूइंग द काइंड ऑफ रोल्स, द काइंड ऑफ strong characters that I want to do, whether it's in Bars or whether it's in LOC or Jaane Hoga Kya or in Aan where I play a police officer's wife. So, haan, main bahut si alag-alag kirdar nibha rahi hoon and I hope the audience can will appreciate that.